हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल वेल्ड सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कास्टर एंड व्हील की रिपेयर प्रोसीजर देखेंगे, जिसमें हम लोग ने एक रोप पुली ली हुई है, जिसमें आप क्रैक देख सकते हो और ये क्रैक की रिपेयर प्रोसीजर आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, स्टेप वन में हम लोग देखेंगे कि पार्ट को अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसके ऊपर जो पेंट है, डस्ट है, उसको अच्छी तरह से निकालेंगे। ऑयल है तो उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करके उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे भी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन की बॉडी में जब भी कोई क्रैक आता है तो क्रैक अगर थ्रू आउट है तो उसको ड्रिल मार के भी किया जाता है। जैसे कि दोनों तरफ ड्रिल मारने से क्रैक आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन ये क्रैक में हम लोग जैसे कि थ्रू आउट है तो उसको हम लोग दोनों तरफ से यू ग्रूव प्रिपेयर करेंगे और यू ग्रूव प्रिपेयर करने के बाद उसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने यू ग्रूव प्रिपेयर किया है, उसके जैसा ही हम लोग दोनों तरफ यू ग्रूव प्रिपेयर करके वेल्डिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर प्री हीटिंग करेंगे, जैसे कि 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसको प्री हीटिंग करके उसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे। कास्ट आयरन को जब आप गर्म करते हो तो उसको कम से कम गर्म करें, जैसे कि उसको ओवरहीट होने ना दे, क्योंकि ओवरहीट होने से वो ब्रिटल हो सकता है, क्रैक हो सकता है, इसलिए उसको कम से कम गर्म करें या फिर दिए हुए टेम्परेचर में ही गर्म करें। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड सिलेक्शन। हम लोग ने यहाँ पे NiFeCl यानी कि 55% निकल वाला इलेक्ट्रोड लिया है। आप प्योर NI से भी वेल्डिंग कर सकते हो, जिसमें हम लोग ने 3.15 इलेक्ट्रोड में 86 एम्पियर DCEP पावर सोर्स में लगाया है। फ्रेंड्स, कास्ट आयरन के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्राफाइट बेस होते हैं और ग्राफाइट बेस में स्लैग इंक्लूजन होने का चांस रहता है, इसलिए उसको 90 डिग्री में होल्ड करके वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग के बीच में स्लैग को अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। या फिर कास्ट आयरन में जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो बीड के ऊपर हल्का सा हैमरिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको पिनिंग बोला जाता है, तो पिनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी वेल्डिंग अच्छी होगी। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पिनिंग कर सकते हो, बीड के ऊपर हल्का सा हैमर करने के बाद दूसरी बीड आपको स्टार्ट करनी है। जैसे कि क्लीनिंग अच्छी तरह से करनी है, प्री हीटिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे उस जो पुलीज होती है जो रिपेयर में आती है, उसके जब ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, तो गर्म करने से ऑयल और ग्रीस निकल जाएगा, उससे आपके वेल्डिंग में डिफेक्ट आने का चांस कम रहेगा। तो इसी तरह से आपको प्रिकॉशन भी लेना है। उसके साथ कास्ट आयरन को जैसे कि अगर आपको लगता है कि वेल्डिंग के दौरान ओवरहीट हुआ है तो थोड़ा सा रुकने के बाद ही सेकंड बीट स्टार्ट करें। जैसे कि फ्रेंड्स, किसी भी फैक्ट्री में कास्ट आयरन के बहुत सारे मशीन के पार्ट्स, मोटर के बेस, मोटर पुलीज, ये कास्ट आयरन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्रैक होने के बाद या उसमें मोटर के बेस टूटने के बाद पूरी मोटर फेंकनी पड़ती है, या पुलीज क्रैक होने के बाद पुली को निकाल के फेंकना पड़ता है। तो ये सिचुएशन में आप कास्ट आयरन को अच्छी तरह से एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ और प्रॉपर इलेक्ट्रोड सिलेक्शन के साथ उसको रिपेयर कर सकते हो, उसको रीयूजेबल कंडीशन में बना सकते हो, इसलिए आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कास्ट आयरन को रिपेयर करने के लिए प्योर निकल और NI55 दो टाइप के इलेक्ट्रोड यूज़ करके आप उसको रिपेयर कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑयल अगर अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुआ तो ऑयल यहाँ पे जलते हुए आपको दिख रहा है, इसलिए आपको ऑयल अच्छी तरह से प्री हीटिंग में कम्प्लीटली गरम करके ऑयल या ग्रीस जो भी है उसको अच्छी तरह से निकालना बहुत ज़रूरी है। वेल्डिंग के बीच में स्लैग को भी अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लैग के ऊपर अगर आप दूसरा बीड मारोगे तो उसके अंदर स्लैग इंक्लूजन से आपको प्रॉब्लम आ सकता है, वेल्डिंग में डिफेक्ट आ सकता है, उसकी वजह से आपका जॉइंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पुअर हो जाएगी, इसलिए आपको अच्छी तरह से क्लीन करना ज़रूरी है। कास्ट आयरन को ओवरहीट ना करें, जैसे हम लोग ने देखा कास्ट आयरन ओवरहीट होने से क्रैक हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है, तो कास्ट आयरन को ज़्यादा ओवरहीट नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी दूसरी बाजू में वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे यू ग्रूव प्रिपेयर किया है, यू ग्रूव के बाद हम लोग 200 से 250
उसको गर्म करके वापस उसके ऊपर वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे वेल्डिंग के बाद हम लोग ग्राइंड करके उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट को भी अच्छी तरह से देख के उसके ऊपर अगर कोई डिफेक्ट है तो वापस उसको ग्राइंड करके रिपेयर करेंगे, या फिर पिन होल्स है या कुछ भी डिफेक्ट है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेम प्रोसीजर फर्स्ट साइड में, एक साइड में जैसे दोनों साइड में हम लोग ने यू ग्रूव प्रिपेयर किया था, तो फर्स्ट साइड में जो प्रोसीजर हम लोग ने रखी थी जैसे कि 3.15 इलेक्ट्रोड के लिए 86 टू 90 एम्पियर्स लिए थे, डीसीपी पावर सोर्स था। सेम प्रोसीजर में 90 डिग्री इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हुए हम लोग सेकंड साइड में भी वेल्डिंग कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, दोनों तरफ से अच्छी तरह से वेल्डिंग करने के बाद हम लोग उसको ग्राइंडिंग करेंगे, उसके ऊपर से जो भी स्लैग है, स्पैटर्स है, वो अच्छी तरह से क्लीन करके ये जॉइंट अभी रेडी हो गया है, जो आप देख सकते हो कि वेल्डिंग होने के बाद अच्छी तरह से ग्राइंड करके ये जॉब कंप्लीट, पुली जो है वो कंप्लीट हो गई है।